हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक स्टडी रोजगार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जो जिला है वहाँ से प्रवेश करती है गंगा नदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा किस जिले से बाहर निकलती है? तो बलिया जो जिला है वहाँ से बाहर निकलती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो ये सहारनपुर में करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गैस आधारित आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ जो जिला है वहाँ पर स्थित है गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस जिले में है? तो ये दोस्तों चंदौली जिले के अंदर स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कानपुर जिला फेमस है दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1975 में की गई चलचित्र निगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चूड़ी उद्योग कहाँ पर है? तो ये फिरोजाबाद के अंदर है चूड़ी उद्योग दोस्तों। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है चौधरी चरण सिंह स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 6वीं शताब्दी में कितने महाजनपद थे? तो जनपदों की संख्या है 8, 8 महाजनपद है 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 828 व्यक्ति है, 828 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1999 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति का गठन 1999 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जैन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मथुरा जिले के अंदर स्थित है जैन संग्रहालय। टसर रेशम अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों सोनभद्र के अंदर स्थित है टसर रेशम विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में टाडा जलप्रपात किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये मिर्जापुर शहर में स्थित है टाडा जलप्रपात दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तंबाकू एस्क किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये तंबा जो एक्स है वो पाया जाता है सोनराई ललितपुर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र में आने वाला जिला नहीं है? तो सहारनपुर नहीं आता तराई के अंतर्गत दोस्तों। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों।